जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही R3F न्यूज में आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम दौर कर रहे हैं, जो प्रधान जीते हैं, जिला पंचायत BDC जनता ने जिन्हें चुना है, और पूछते हैं कि किन किन मुद्दों पे अब काम होगा। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं कि अब वो क्या परिवर्तन अपने गाँव में चाहते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम तसोर प्रधान ग्राम नाहन तहसील व जिला गाजियाबाद, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने गाँव वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो जी कि ये जो महामारी का समय है, इससे बिल्कुल परहेज करें। मास्क लगा कर रहें, दूरी बना कर रहें। और कल एक हमारी मीटिंग भी हुई थी चौकी पे, जो हमारे सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, वो जो एक नमाज का मामला है, कल ईद उल फितर का दिन है, ईद उल फितर की जो नमाज अदा करनी है, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि 5-5 आदमी नमाज पढ़ें। ईदगाह में ज्यादा से ज्यादा 5-10 आदमियों की इजाजत मिली है, 10 आदमी पढ़े, अपने अपने घर पर नमाज पढ़ें, अपने आप ही को बचाएं, खुद बचें और को बचाएं। और सबसे पहले जो आपका जो ये चैनल है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हम तक पहुँचे और हमारी बात आपने सुनी और हमारी जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर देखिए, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में इतनी अच्छी बात कर दी कि बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है, कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है। नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। एक सवाल जो मुझे बाद में पूछना था, मैं पहले ही आपसे कर लूं। जी जी जी। सर एक गुजारिश हो रहा है, आप अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपने गाँव वासियों से इतनी और विनती कर दीजिए कि किसी को भी गांव में किसी प्रकार की समस्या है, और अगर वो हो सकता है जो आपसे समस्या का समाधान होगा भी, तो वो आपसे संपर्क करें। हाँ, हमारी सभी ग्रामवासियों से अपने गुजारिश है, कहीं किसी की समस्या जो भी हो, जिस तरह की, एक बार जरूर संपर्क करें। हमारे मसले होगा, हम उसकी व्यवस्था कुछ कराएंगे, अपनी सरकार से आगे मांग करेंगे, SDM साहब से बात करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सब जो हमने बोला है उसके लिए सब इस बात को परहेज करेंगे, मास्क की, दूरी की, सारी चीजों की इनकी परहेज करेंगे। और उम्मीद ये है कि हम धीमे धीमे इस जो ये महामारी है, बीमारी है, इससे हम जीत जाएंगे। सर आप अपना फोन नंबर बोल दीजिए। हाँ, हमारा फोन नंबर है 94-12-22-35-80। देखिए अभी ये नव निर्वाचित प्रधान बने हैं, इन्होंने अपना फोन नंबर दिया, नीचे दिए गए नंबर पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गांव में किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, कांटेक्ट तो करें एक बार, समस्या का समाधान होना ना होना बात की बात है, लेकिन संपर्क जरूर करें। अब करते हैं हम अपने सवालों का सफरनामा शुरू। सर अब जनता ने आपको चुनी लिया है, कितनी जनसंख्या है गाँव की? लगभग 40,000 की जनसंख्या है। 40,000 वोटिंग तो कम है। चलिए अपने सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी हमारे देश को इस वक्त बहुत जरूरत है, जैसे कि महामारी चली, COVID-19 को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई हुई है, और सफाई को लेकर आपने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है? देखिए, हमने सबसे पहले तो अभी हमारे सभी जानते हैं, कहीं भी कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन हमने जैसे ही रिजल्ट आया है, हमने अपने गाँव के जो है सफाई का कार्य शुरू करवा दिया, हमने अपने गांव को सैनिटाइजर करा दिया, बिल्कुल अपने उससे करा दिया। और हम जो है सबसे यही गुजारिश करते हैं कि देखो, आप जो चर्चा चलती है, जो हवा चलती है, जो बात चलती है, वो सारी हमारे गांव में चली हुई है, और हमने बिल्कुल एकदम तरीके से सफा कराया है, क्योंकि बहुत ही गंद फैला हुआ था हमारे यहाँ। तो वो निजी करवाया आपने? बिल्कुल निजी कराया है जी, क्योंकि अभी तो हमारी शपथ ग्रहण ही नहीं हुई है। सैनिटाइजर भी करवाया? सैनिटाइजर करा दिया जी हमने अपना पूरा गांव। अच्छा, सफाई करा दी। अभी शपथ पद भी नहीं लिया और आप एक्टिव हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात और अच्छी लगी कि मैं जो अभी तक कम से कम 600 प्रधानों से मैं मिल चुका हूँ, ज्यादा ही हो गए, अभी जो नवनिर्वाचित प्रधान बने, उन्होंने सबने आप ही की तरह सैनिटाइजर और सफाई का काम चालू कर दिया, और भी प्रधान ऐसे। जी जी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो प्रधान चुने गए हैं, वो समय से पहले एक्टिव हो गए और आने वाले समय में 5 साल में काम में खूब परिवर्तन करेंगे। बेशक बेशक। देखो, एक तो इसका बिल्कुल महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि त्योहार था, दूसरी चीज ये रही कि बहुत पहले हमारे गवर्नमेंट ने खाते वाते प्रधानों के बंद कर दिए थे, तो गांव में स्वच्छता का तो कोई ध्यान रहा ही नहीं, बस सारे में गली कोचों में सब गंदगी ये फैला हुआ था।
तो हमें बेहतर नहीं लगा, हमने की सबसे पहले सफाई हो, बाद की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये जो सफाई है ये 5 साल तक ऐसी रहेगी? बिल्कुल ऐसी रहेगी। अच्छा, इस बार आप कुछ गीला कूड़ा सूखा कूड़े का भी सोचा है क्या इस बार? बिल्कुल सोचा है जी हमने, और उसकी हम एक जो है अभी अपने अपने जो है तहसीलदार साहब से, अपने पटवारी से, कानूनगो साहब से मिलकर एक जगह को हम बिल्कुल कहीं ना कहीं इंतखाब कराएंगे, और उसमें गीले और सूखे कुएं का अलग अलग कराएंगे, क्योंकि कुएं का हमारे यहाँ कोई समाधान प्रॉपर तरीके से नहीं है। उन लोगों को बुला के हम पूरे का कुएं का, लेकिन इस बार कूड़ा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और हम बिल्कुल उनके पीछे पहुंच जाएंगे, जहां भी हमें जगह देंगे वहां हम अपने दोनों चीजों का, गीले का अलग और सूखे का अलग, उसका समाधान। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है और जनता से, मेरी भारतवर्ष की जनता से शिकायत भी है, अक्सर लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने घर का कूड़ा नालियों में फेंक देते हैं या कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां नहीं फेंकना चाहिए। अगर गांव में डस्टबिन हो जगह जगह तो हो सकता है लोगों की कुछ सोच बदले, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कदम? सबसे पहले हमारा ऐसे लोगों के लिए कदम क्या इंतजा है हमारी, क्या ऐसा ना करें, सभी का है, सभी का है। और जब हम देखो, आदमी अगर ईमान पर आएगा तो सफाई आदमी का आधा ईमान है, आधी सफाई तो वैसे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी सोचे और हम व्यवस्था करेंगे जगह जगह। तो ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, हम उनसे विनती करना चाहेंगे, हम उनसे इंतजार करना चाहेंगे कि कूड़ा कहीं बाहर न डाले, नाली में न डाले, हो सके तो अपने घर का कूड़ा अपने पास रखें, हम अपना ट्रैक्टर भेजेंगे, अपने इंतजाम भेजेंगे, उसमें उसको डालें, उसके अंदर कहीं गंद ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, हम उन लोगों से बिल्कुल अपनी इंतजार करते हैं। देखिए, जनता से उन्होंने अपील करी है और एक भी व्यक्ति के आत्मा दिमाग में बात बैठती है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्लीज, ये भारत वर्ष आपका ही है, आप अपने जैसे घर को साफ रखते हैं, ऐसी इस गली को, मोहल्ले को, गांव को, देश को, कॉलोनी को साफ रखें। ये जिम्मेदारी आपकी, आधी सफाई तो वैसे हो जाएगा हर व्यक्ति अपनी ईमानदारी से ईमान निभाए, क्यों जी? सब लेकिन ये दुर्भाग्य, पता नहीं लोग इस देश को अपना क्यों नहीं मानते। अरे आप ही का है, ईमानदारी से सफाई तो रखो, COVID-19 महामारी चल रही है। अच्छा सर, शिक्षा को लेकर मैंने आपके गांव में घूम रहा हूँ, प्राइमरी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं लगी मुझे, इस बात में कितनी बात सीखता है? शिक्षा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्राइमरी हालत स्कूलों की अच्छी नहीं है, जो हमारे इदारे हैं, डीजी इदारे हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो आपके कार्यकाल में क्या होगी इस बार? अब हम बिल्कुल इस पर जरूर, सबसे पहले हमारा जो एजेंडा, हमारा जो मन है वो पहले से ये है कि सबसे पहले देखो शिक्षा की ही तरफ हम ध्यान देंगे। क्या प्लान बनाया? हम प्लान बनाया कि हमने प्राइमरी जो हमारे स्कूल है इनको हम बदलाएंगे, बदलेंगे, इनमें ध्यान देंगे, इनके जो मेंबर हैं, जो इनके टीचर हैं, उन पर थोड़ा सा कहेंगे, हाथ जोड़ के भी कहेंगे, वैसे भी कहेंगे कि भाई उन पर ध्यान दे बच्चों पे, क्योंकि है क्या, हम सबसे ज्यादा अगर कहीं परेशान है तो शिक्षा से ही है, हमारे बच्चे बेकार हैं। इनसे भविष्य तय होता है? बिल्कुल, भविष्य तय अगर होता है उन्हीं से भविष्य तय होगा, और वो ही बेकार है तो हमारा सारा जीवन ही बेकार है। क्या उस बार प्राइमरी स्कूल में मिड डे होगा? बिल्कुल मेंटेन भी होगा, और हम प्राइमरी स्कूल का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे, और ये हम कोशिश करेंगे अपनी सरकार से भाग दौड़ के हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज का प्रावधान हो जाए, जिससे कि हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने नहीं जा पाती, वो घर ही में रह जाती हैं, 6-7-8 क्लास पढ़ के अब बेकार हो जाती है, ना इधर की रहती ना उधर की रहती। बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है, जो बेकार है आज हम कल हमारे गांव के हम देख रहे हैं, अच्छे परिवारों में रिश्तेदारी हम नहीं कर पा रहे, केवल वो है तालीम की, शिक्षा की देन, जो हमारी बच्ची शिक्षित नहीं हो पाई। देखिए, आज आपने मुझसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की और बहुत बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कदम पीछे ना हो और ये सफल हो। बिल्कुल नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी। बिल्कुल पीछे नहीं होगा, और आप लोग भाई हो हमारे, आपका चैनल हमारे साथ है, आप हमारे साथ हो, हमें पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं होता। एक साल बाद, 2 साल बाद जब भी मौका लगेगा, जब ये योजना आप गांव में लाएंगे तो मुझसे बेशक बात से संपर्क करेंगे, और आप अपने चैनल के माध्यम से इस योजना का बिल्कुल आप पूरा हमारी जनता को, हमारे लोगों को आप ही सूचना देंगे, मैं यही आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दुर्भाग्य की बात बता दूं, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, कैमरा जब ऑफ हो जाएगा जब आप सबको बता दूं कि एक स्कूल है आपके ही पड़ोस के गांव में, जब कैमरा ऑफ होगा जब इस बारे में बात, उस स्कूल में 3-4 लाख अध्यापकों की सैलरी आती है आज भी। और कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, बताऊं आप लोगों को? मात्र केवल 12। अरे बाप रे, लेकिन ऐसा क्यों? ये बड़ा मैंने मुद्दा उठाया था, मैं गर्म हो गया था वहां पर इस बात पे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप शिक्षा पे बहुत बड़ा कदम लें। बिल्कुल कदम उठाएंगे, और एक चीज का हम आपको भी यकीन दिलाते हैं, हमारी जो लड़ाई है प्रॉपर वो शिक्षा के ऊपर ही है। हमने समझाया है अपनी जनता को, चुनाव में भी हमने कहा है अपने लोगों से
कि देखो सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें बदलती हैं, सरकार बदलने से हम नहीं बदलेंगे, हम शिक्षा से बदलेंगे, तालीम से बदलेंगे, हमारे जो बच्चे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे युवा पीढ़ी है वो शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ना तो खा पी के तो जो यू जीवन है हमारा, इंसान का जीवन इतना ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें ये जीवन दिया, इसी को हम बेकार करके चले जाए तो क्या जीवन मिला बेकार के लिए। देखिए कल ईद का त्यौहार है, ज्यादा समय नहीं दूंगा, आपने मूल्यवान समय दिए, इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने फिर भी हमें समय दिए उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। समाप्ति की ओर चलते हैं, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आपके गांव में मैं घूम रहा था अभी, तो कुछ नौजवान युवकों की मांग है कि गांव में खेल का मैदान या लाइब्रेरी भी हो, इस बात में बिल्कुल बिल्कुल लाइब्रेरी का जो मामला है वो कहीं जगह हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हमारे कुछ युवा पीढ़ी है वो उनकी मांग भी है और वो उस तरफ लगे हुए हैं, कहीं जगह एक तरीके से वो आपसे अपेक्षा करते हैं, इस बार मुखातिब नहीं हुई है। अब खेल का जहां तक मामला है, खेल के मैदान के लिए एक जगह चाहिए, LMC की हम तलाश करेंगे, अभी हम सदरे वगैरह मंगवा के देखेंगे। हमारी दिली तमन्ना है कि हमारे बच्चों को एक खेल का मैदान मिल जाए, क्योंकि जो बच्चों को क्या अगर सुबह सुबह हमारी जो माँ बहने हैं सुबह निकल के वे भी एक बार घूमी आए तो बड़ा स्वास्थ्य एकदम उनका भी जो शरीर है वो बिल्कुल हल्का रहे और बीमारी से दूर है। चलिए इसी सवाल के साथ मैं प्रोग्राम को समाप्ति देता हूँ। एक लास्ट वृद्धा पेंशन और एक और बताया था वृद्ध पेंशन और एक चीज और बताई थी राशन को लेकर लोग नाराज है, कहते हैं कि अक्सर राशन आता है पूरा नहीं मिलता या राशन कार्ड बने हुए कहीं राशन तक नहीं पहुंचता, इस बात में कितनी सच्चाई है और आपके क्या करेंगे? ये बिल्कुल सच्चाई है, ये दिक्कत आ रही है राशन धारकों को, हमारे मतलब जो हमारे कोटेदार हैं उन्होंने एक मजोरिटी बनाई हुई है, वो 4-5 किलो गवर्नमेंट से अनाज उन्हें मिलता है हमारे एक यूनिट पे, वो 4 किलो देते हैं और फिर थोड़ा सा उनके पीछे आगे पीछे नरमा गर्मी भी होती है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट से हमारी जो यूनिट मिल रहा है 5 किलो मिल रहा है तो उनको 5 किलो उनका अधिकार है, उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। अब नाइंसाफी नहीं होगी गांव में, बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होगी उनका जो है, हमने उनसे कह दिया, एक कोटेदारक को हमने बुला के कह भी दिया कि अगर आपको पता नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस्तीफा दे दो, दूसरा हम डीलर पैदा करेंगे, दूसरा डीलर बनाएंगे, लेकिन हक किसी का मत मारो, उनका अधिकार है 5 किलो यूनिट पर, उनका अधिकार उनका पूरा करो। चलिए इसको समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं RTF न्यूज के माध्यम से अपने गांव वासियों से, बच्चों से, बुजुर्गों से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल हम संदेश ये देना चाहेंगे अपने युवाओं को, बच्चों को, अपनी माँ बहनों को कि सबसे पहले तो हमारा जान है तो जहान है, जीवन है, आप सबसे पहले हमारी आपके न्यूज के माध्यम से हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, इंतजार करते हैं कि बीमारी का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें और दूरी बना के रहें, और कल ईद उल फितर का दिन है, मैंने पहले भी बोला फिर बोल रहा हूँ, नमाज के लिए नमाज क्या करें, जहाँ इंसान दिल से नमाज पढ़ेगा वही खुदा खुदा हर जगह है, आप बिल्कुल पास से ज्यादा ना जाए और इस चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, खुद बचें दूसरों को बचाएं। धन्यवाद, ये थे आज के खास मेहमान, आज इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है और कहा कि मैं कदम उठाऊंगा लेकिन गांव के लोगों को इनका साथ देना होगा, हम जितना हो सकेंगे हम भी इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि एक कॉलेज होगा गांव में, कन्याएं बाहर नहीं जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और गांव में शिक्षा को महत्वता दिया जाएगा, सफाई को लेकर इन्होंने कदम उठाई दिए, ऐसे जनप्रतिनिधि की हमारे भारत वर्ष को जरूरत है, जातिवाद और गंदी राजनीति को छोड़कर अगर हर प्रधान काम करे ईमानदारी से तो मैं कह रहा हूं कि इस देश का तो डेवलपमेंट तो छोड़िए 5 साल के बहुत काम हो सकता है अगर ईमानदारी से निभाया जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य की होती है कि कुछ चुनिंदा लोग निभाते हैं, कुछ नहीं निभा पाते। बिल्कुल सेक्रेटरी के साथ नया निर्वाचित प्रधान मिलकर सेटिंग कर लेता है, सारा डामाडोल हो जाता है, योजनाएं सारी जेब में चली जाती है, जनता फिर 5 साल ऐसी की ऐसी बैठी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे आज के मेहमान का कहना, उनका कहना है गांव में काम होगा। इसी के साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वाक्य में हकीकत में काम हो, 1 साल बाद या 6 महीने बाद फिर हम आएंगे, सर से संपर्क करेंगे और पूछेंगे सर वो आगाज कहां तक पहुंचा, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नवनिर्वाचित प्रधान के प्रति उनकी क्या अपेक्षा है। एक श्रीमान जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सर नमस्कार, आप में से कुछ बोलना चाहेंगे? बात को सही कर पाना, मास्क ऊपर दीजिए सर, आपका शुभ नाम?
अनिल जी अब इन्होंने एक वादा किया है आप सबके सामने कि कॉलेज होगा स्कूल में। हाँ इंशाल्लाह कॉलेज होगा जी, लगता है होगा बिल्कुल पक्का ये काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों करेंगे, क्या उम्मीद है, क्यों आपको इनसे उम्मीद है? आप खुल के बोलिए। 15 साल होगी इसी विकास के ऊपर लड़ते रहे प्रधान जी हमारे जी। अच्छा, और 20वें साल में चुनाव जीते हैं इसी विकास की वजह से ही। हर तरीके से हर जगह से काम बढ़िया होगा और बढ़िया काम करेगा। अब देखिए इनकी उम्मीदें टूटती है या झुकती है या यूं ही 5 साल बरकरार रहकर एक नया मिसाल बनता है गांव। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत, राजन राही R3F न्यूज में मिलते हैं एक नए जनप्रतिनिधि से और जानते हैं उनके मैनिफेस्टो के बारे में। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।